नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं धनंजय। 27 सितंबर को इसराइल के एयरफोर्स के द्वारा बेरूत लेबनान में 6 बिल्डिंग्स को टारगेट बनाया जाता है और उन 6 बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत ही मैसिव तरीके से बॉम्बार्डमेंट किया जाता है। उस बॉम्बार्डमेंट के बाद ऑलमोस्ट ये क्लियर हो चुका था कि जितने भी लोग उस बिल्डिंग में होंगे उनका बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जैसे ही ये बॉम्बार्डमेंट ख़त्म होता है वैसे ही ऑलमोस्ट ये इसराइल के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है ऑफिशियली कि हसन नसरल्ला अब इस दुनिया को टेररराइज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने दो बातें रखना चाहूँगा। चाहे हिजबुल्ला हो गया या ऐसे और भी कुछ आर्म्स ग्रुप हो गए, इनके बारे में वर्ल्ड मीडिया दो तरीके से इनको रिप्रेजेंट करता है। एक तो वैसे देश या वैसे मीडिया हाउस जो प्रो इसराइल या यूएस हैं, वो हिजबुल्ला या इनके जैसे जो संगठन है उसको कंप्लीट तरीके से एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी देश हैं जिनके मीडिया हाउस इनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह के इनको रेजिस्टेंस ग्रुप कहते हैं। नॉर्मल डेज में भी या जियोपॉलिटिक्स में हर एक एक शब्द के अपने मतलब होते हैं। आप जब किसी ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो उसका जो एक सेंस होता है वो कंप्लीट तरीके से अलग हो जाता है। लेकिन जब आप सेम ग्रुप को एक रेजिस्टेंस ग्रुप कहते हैं तो उसका सेंस कंप्लीट तरीके से अलग हो जाता है। और मैं चाहूँगा कि इसका फैसला आप खुद से करें कि आप हिजबुल्ला या इसके जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसको आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहना चाहते हैं या तो आप इसको रेजिस्टेंस ग्रुप कहना चाहते हैं। रीसेंट टाइम्स में जिस तरीके से इसराइल के द्वारा अपने दुश्मनों को मारा गया है या उनको टारगेट किया गया है और ख़ास करके उसके पीछे का जो होमवर्क किया गया है, आप भले इसराइल को सपोर्ट करें या आप अपोज करें, लेकिन एक चीज़ से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि इसराइल सच में काफ़ी कैपेबल देश है। और इनका अगर हम सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात करें, पहला इंटेलिजेंस गैदरिंग और दूसरा कि जिस तरीके से ये अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर कमांड कर रखे हैं, ये सच में एज एन इंडियन हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या जो हमारे दुश्मन देश हैं, दो दुश्मन देश तो हमें सामने ही देखते हैं, एक तो है चाइना, दूसरा है पाकिस्तान, क्या हमारा इस हिसाब से इंटेलिजेंस गैदरिंग है और क्या हम इस हिसाब से अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाए हैं। जहाँ तक स्पेसिफिकली हम बात करें हसन नसरल्ला के बारे में, तो हसन नसरल्ला बेरूत में कहाँ पे छुपा हुआ था इसके बारे में ऑलमोस्ट एक महीना से भी ऊपर हो गया, जहाँ पे इसराइल के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको हसन नसरल्ला के जो लोकेशन था उसके बारे में मालूम था। अगर आप हसन नसरल्ला को जिस तरीके से मारा गया इसके रिगार्डिंग अगर आप आर्टिकल्स वगैरह को पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ तो बहुत ही बेसिक बात है जो आपको भी समझ में आ जाएगा कि जिस तरीके से इसराइल के एयरफोर्स ने हसन नसरल्ला को मारने के लिए प्लान बनाया था, ये प्लान अपने आप में काफ़ी रिस्की था। और उसके बाद ये ऑलमोस्ट एंश्योर कर लिया था कि अगर उस वक्त उस बिल्डिंग के आसपास या उस बिल्डिंग में यानी कि बेरूत में जहां पे अटैक किया गया, अगर वहां पे हसन नसरल्ला हो तो ये ऑलमोस्ट तय था कि जिस हिसाब से बॉम्बिंग किया गया उस हिसाब से वहाँ पे बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो ये है कि किसी भी तरीके से सेकेंड चांस देने के मूड में बिल्कुल भी इसराइल के एयर फोर्सेस नहीं थे। जिस तरीके से इसराइल के एयर फोर्स के द्वारा हसन नसरल्ला को मारा गया है, इस पूरे प्रोसेस में एज पर मीडिया रिपोर्ट ये कहा जा रहा कि 80 टन का एक्सप्लोसिव यूज़ किया गया है और ये एक्सप्लोसिव भी इतना ज़्यादा डेंजरस और इम्पैक्टफुल था कि जिस जगह पे ये एक्सप्लोसिव को ड्रॉप किया गया था या प्लान तरीके से बॉम्बार्डमेंट किया गया था वहाँ से लेके 60 फीट नीचे तक उसका इम्पैक्ट था। तो कहने का मतलब है कि इसका जो इम्पैक्ट था वो सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट नहीं था बल्कि ज़मीन के नीचे भी इसका इम्पैक्ट था। इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि इनके जो बंकर्स वगैरह होते हैं वो ज़मीन के नीचे होते हैं। तो यहाँ पे अगेन जो समझने वाली बात है वो ये है कि किसी भी तरीके से इसराइल के जो एयरफोर्स हैं वो दूसरा चांस नहीं देना चाहते थे। और ऑलमोस्ट अगर आप जिस तरीके से इसराइल इंटेलिजेंस एजेंसीज या इनके फोर्स अपने टारगेट्स को हिट करते हैं, ऑलमोस्ट हर बार एक नया तरीका लेके आते हैं और एक नए तरीके से इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं और ये ऑलमोस्ट हर बार अपने दुश्मन को सरप्राइज कर देते हैं। और साथ में जो एक्सपर्ट्स का मानना है वो ये है
कि इसराइल के जो एजेंट्स वगैरह होते हैं, या तो वो डायरेक्ट एजेंट या हम इनडायरेक्ट फॉर्म में समझ लें, वो ऑलमोस्ट ईरान में हर इम्पॉर्टेंट जगह पे लोकेटेड हैं, लेबनान में लोकेटेड हैं, सीरिया में लोकेटेड हैं। सो यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो ये है कि पॉसिबली हर उस गली नुक्कड़ चौराहे पे इसराइल अपने इंटेलिजेंस को डिप्लॉय कर रखा है जिस देश से उसे खतरा है। तो इस हिसाब से इतना मैसिव तरीके से अपने देश का इंटेलिजेंस को बढ़ाना और एक प्रॉपर तरीके से इंटेलिजेंस गैदरिंग करना और अपने एजेंट्स के जो जान है उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब भी हिजबुल्ला या हौतीज़ या ऐसे कोई भी ग्रुप्स के द्वारा कोई भी वीडियो मैसेज रिलीज़ किया जाता है, या किसी भी बड़े लीडर्स के जब मारे जाने के बाद जो प्रोग्रेशन निकलता है उनका, तो उस पूरे प्रोसेस को जो इसराइल के इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो काफ़ी एक्टिव तरीके से उसको देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, और ये देखते हैं कि कौन कौन से लोग उस पूरे प्रोसेस में अवेलेबल थे और वो किससे बात कर रहे थे, किससे बात नहीं कर रहे थे। अगर वो किसी महफिल में थे या किसी रो में खड़े थे तो वो किसके आजू बाजू में खड़े थे, या अगर आप इन शॉर्ट ये समझना चाहें तो वो लोग इस हद तक जाके अपने दुश्मन को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और अपने दुश्मन देश के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, जो शायद दुनिया के और कोई इंटेलिजेंस एजेंसी शायद कर भी ना पाए। अगर आप 27 सितंबर का डेट या उस टाइम पीरियड को अगर आप याद करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसी टाइम पीरियड के आसपास यूनाइटेड नेशन में बेंजामिन नेतन्याहू भी दो मैप को दिखाते हैं, जहां पे एक मैप में तो नॉर्मल बताया जाता है कि किस तरीके से फाइबर ऑप्टिक्स केबल वगैरह को डिप्लॉय किया जाएगा और उससे पूरे दुनिया को बेनिफिट पहुँचेगा, और जो दूसरा मैप उनके द्वारा दिखाया जाता है उसमें वो इराक हो गया, ईरान हो गया, इनको एक एविल के तरीके से दिखाया जाता है। उस चीज़ में एक चीज़ जो नोटिसेबल था वो ये था कि जिस मैप में इसराइल को दिखाया जा रहा था उस मैप में कहीं पे भी किसी भी तरीके से पैलेस्टीन को दिखाया नहीं जा रहा था, और जिस दिन इसराइल के एयरफोर्स यानी कि 27 सितंबर को टेक ऑफ कर लिए थे और टेक ऑफ करने के बाद जब वो हसन नसरल्ला को मारने के लिए जा रहे थे, तो उस वक्त जाके यूएस के जो इंटेलिजेंस है या उनके जो अथॉरिटीज़ है उनको ऑफिशियल तौर पे बताया गया था कि हमारा जो प्लान है वो प्लान ये है और हमारा प्लान ऑलरेडी इन मोशन है। और उसके बाद अगर बात किया जाए तो भारत में भी लोग ऑलमोस्ट दो हिस्सों में बटे हुए हैं, और ये जो बंटवारा है ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे तो आपको रिलीजन के बेसिस पे बंटवारा मिलेगा, जहाँ पे एक तरफ के लोग ऐसे हैं जो हसन नसरल्ला के मारे जाने के ऊपर उनको काफ़ी परेशानी कह ले या उनको अच्छा नहीं लगा है, वहीं दूसरे तरफ के लोग ऐसे हैं कि जो जिस तरीके से इसराइल बॉम्बिंग कर रहा है या लेबनान में अटैक कर रहा या अपने टारगेट्स को वो हिट कर रहा उसको देख के वो खुश हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो समझने वाली बात है वो ये है कि ना ही तो हमें हसन नसरल्ला के मारे जाने के ऊपर बहुत ज़्यादा खेद व्यक्त करना चाहिए, ना ही तो हमें इसराइल के कैपेबिलिटीज़ को देख के बहुत खुश होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पड़ोसी बहुत पावरफुल है तो उससे आपको क्या मदद मिल रहा है, उससे आपको कोई भी मदद नहीं मिलेगा। जहाँ तक बात किया जाए जियोपॉलिटिक्स में, तो हर देश के अपने इंटरेस्ट होते हैं। ये बात सही है कि हमारे जो संबंध है वो इसराइल के साथ अच्छे हैं, लेकिन इसका ये मतलब कहीं से नहीं होता है कि हमारे संबंध इसराइल के साथ ख़राब नहीं हो सकते हैं।